सब कुछ इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो उत्तर प्रदेश में अगले कुछ साल के अंदर औद्योगिक क्रांति होती नजर आएगी। राज्य के अंदर रिकॉर्ड 71,12,000 करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश होने जा रहा है। मंत्री और अफसरों के समूह के साथ कई देशों में यूपी के अंदर निवेश का माहौल बनाकर लौटे कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने बताया है कि पूरी दुनिया में मोदी योगी मॉडल का डंका बज रहा है। हर कोई अब यूपी में निवेश करना चाहता है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को बरेली में मीडिया को बताया कि उनकी टीम के साथ कनाडा और अमेरिका की कंपनियों ने 22,000 करोड़ के निवेश MOU साइन किए हैं। कुछ विदेशी कंपनियां बरेली के अंदर मिल्क, होटल एंड फर्नीचर सेक्टर में निवेश करने की इच्छुक हैं। दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कांग्रेस की भाजपा सरकार पर टिप्पणी को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि चीन में राहुल गांधी की यात्रा होने वाली थी, जो वहां के हालात बहुत खराब हैं। कोरोना पर गलत बातें किसी को नहीं बोलनी चाहिए। कोरोना से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मगर सावधानी जरूरी है। यूपी में दवा और वैक्सीन पर्याप्त है। मदरसा शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि जब शिशु मंदिरों में मुस्लिम बच्चे पढ़ सकते हैं तो मदरसों में हिंदू बच्चे क्यों नहीं। मंत्री धर्मपाल सिंह से आप भी जानिए उनकी विदेश यात्रा के अनुभव। दिसंबर को गए थे और 18 दिसंबर तक हमारा वहाँ कार्यक्रम रहा। 19-20-21 की वापसी हमारी टीम के द्वारा, हमारी टीम का जाना हुआ कनाडा और अमेरिका, अब ये जो अमेरिका में लॉस एंजल्स कनाडा में टोरंटो, माउंट्रियल और वैंकूवर, ये स्थानों पर उद्यमियों के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शिखर के सारे उद्यमियों, दूतावास के लोगों ने उद्यमियों को बुलाने का काम किया और सभी उद्यमियों ने विशेष उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में आने की अपनी सहमति व्यक्त की और वहीं MOU साइन कर लिए कि हम मेडिकल में, डेयरी उद्योग में, होटल उद्योग में, चिकित्सा में, शिक्षा में, पर्यटन में, विभिन्न स्तर के उद्योगों में पूंजी निवेश करेंगे। ऐसा करके उन्होंने अपने प्रस्ताव भी हमको दे दिए हैं। 10, 11, 12 फरवरी को इंटरनेशनल समिट होगा और उसमें फिर ये तय हो जाएगा कौन कौन से उद्यमी कितनी पूंजी निवेश करें। हमारे कमेटी के द्वारा तो 22,000 करोड़ के MOU साइन हुए और ये 8 जो ग्रुप गए थे इनमें 7,12,000 करोड़ के MOU साइन किए। बरेली में होटल उद्योग और फर्नीचर और डेयरी उद्योग डेवलपमेंट के लिए भारी संभावनाएं हैं और इसमें उद्यमियों ने अपने MOU साइन किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय, नगर निकाय के चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और कोर्ट में पेश चल रहा है। 8 तारीख है, ये जैसे ही कोर्ट का निर्णय आ जाएगा हम लोग तैयार हैं। जब हमारे शिशु मंदिरों में मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, शिशु मंदिरों में हम मुस्लिम बच्चों को भी शिक्षा देने को तैयार हैं, तो मदरसों में भी हिंदू बच्चे जा सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के लिए यूपी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इस पर कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री और ये सभी बैठक हाई स्तर पर जो टीम 9 की बैठक है वो की जा चुकी है और उत्तर प्रदेश में कोरोना से कोई बहुत भारी डर नहीं है। पूरी चिंता कर ली गई है और फिर भी जनता को सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगा के चलना चाहिए और जो दूरी का तय है वो मानकों को मानना चाहिए। इतना कोरोना है कि वहाँ सरकार मुंबई में जगह दे रही, तो चाइना में भी तो इनकी यात्रा तो चल नहीं रही। चाइना में जो इतना भारी कोरोना है तो वहाँ तो यात्रा चल नहीं रही या कुछ नहीं है। सही तो अपना राज्य पूरा के बूस्टर डोज ज़्यादा तो लग गई और दवा की कोई कमी है नहीं। हमारे समझ में आया है कि बरेली में बहुत चिंता की बात नहीं है, सब स्वस्थ है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।